हमारे पास सब इक्वेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारे पास, दूसरा हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, और उसके बाद हम लोगों को एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर नॉर्मल आप लोगों को पता है कि उसका जो वी मैक्सिमम होता है वो एन ए बी ओमेगा होता है, एन ए बी ओमेगा उसका वी मैक्सिमम। और रियलिटी में अगर आप देखने जाओ तो टी टाइम पे उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, एन ए बी ओमेगा साइन थीटा या तो साइन ओमेगा टी। अब यहां पे देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आज आपको करवा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 6.9 हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था मैं उसको शॉर्ट में आपको बताता हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कुछ नहीं, अगर आप कोई एक कॉइल है, ये कॉइल है, इस कॉइल में से जो करंट पास हो रहा है उस करंट को आप चेंज कर रहे हो। पहले तो इस कॉइल में से करंट पास किया तो उस करंट को आप चेंज कर रहे हो, और बाजू में आपने क्या रखी हुई है, दूसरी कॉइल। तो बोलो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बाजू वाली कॉइल के साथ लिंक होगा। अब इसका करंट के अंदर अगर आप चेंज करते हो तो बाजू वाली कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में भी क्या होगा, चेंज होगा, और उस कॉइल के अंदर क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा उस कॉइल के अंदर, ईएमएफ। तो यहां पे सपोज कि मैं ऐसा बोलूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल टू इज ई टू, करंट पासिंग थ्रू कॉइल वन इज आई वन, करंट पासिंग थ्रू कॉइल वन इज आई वन। ध्यान से समझना, करंट पासिंग थ्रू कॉइल वन इज आई वन, इंड्यूस ईएमएफ कॉइल टू इज ई टू। समझो आप यहां पे एक एग्जांपल सिंपल मैं आपको बताता हूं। सपोज कि आपको दो रिंग दी है, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू। अच्छा, अब उसने ऐसा दिया है कि भाई आर वन जो है वो बड़ी छोटी है आर टू से, हियर आर वन इज लेस देन आर टू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे एक दूसरी रिंग ले लू आर वन जैसी, और ये क्या है आर टू है, आर वन इज वेरी वेरी लेस देन आर टू, तो अगर मैं आर टू रेडियस वाली रिंग में से करंट पास करूंगा और उस करंट में मैं चेंज करता हूं तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके साथ कोरिलेट होते हैं, बोलो किसके साथ कोरिलेट हो गए, इस मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस किसके साथ कोरिलेट होगी, आर टू रेडियस वाली जो रिंग है उसमें से मैंने करंट पास किया, वो जो करंट पास किया उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ वो आर वन रेडियस वाली रिंग में से पास हुआ। अगर मैं ये आर टू रेडियस वाली रिंग में करंट में चेंज करता हूं तो आर वन रेडियस वाली रिंग के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो भी चेंज होगा, और जैसे ही आर वन रेडियस वाली रिंग के साथ लिंक फ्लक्स चेंज होता है तब इसके अंदर क्या जनरेट होता है, इंड्यूस ईएमएफ। दिस इफेक्ट, दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ध्यान से सुनो, उसने ऐसा बोला कि फ्लक्स जनरेटेड इन कॉइल वन है, तो फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल वन, समझना ध्यान से, फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करता हूं तो एम आई लिखते हैं उसको, वेर एम इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी
और उसको क्या बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे हमारे पास फाइव इज इक्वल टू एल आई था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू क्या है, एम आई है। लेकिन यहाँ पे सपोज कि मैंने ये आर टू रेडियस वाली रिंग में से करंट बहाया I2 रेडियस वाली रिंग में से मैंने करंट कितना बहाया I2। सपोज कि मैंने कितना करंट बहाया I2, तो मुझे R1 रेडियस वाली रिंग में से फ्लक्स कितना मिलता है, I phi 1। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे जो म्यूचुअली हम लोगों ने एक में करंट बहाया और दूसरे में मुझे EMF मिला, इंड्यूस EMF मिला, इंड्यूस करंट मिला, या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्लक्स लिंक हुआ। दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिंपल, आप लोगों ने जो भी सेल्फ इंडक्टेंस में किया था वही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर खुद में ही करंट में चेंज किया, खुद में ही EMF जनरेट हुआ। म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर किसी एक में करंट में चेंज किया तो दूसरे में मुझे इंड्यूस EMF मिला। समझना ध्यान से, सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर क्या है, मैं खुद के अंदर ही चेंज करता हूं तो मुझे उसकी इफेक्ट खुद के अंदर ही मिल रही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, मैं खुद के अंदर चेंज करता हूं लेकिन उसकी इफेक्ट मुझे कहां पे मिल रही है, मेरे बाजू वाले पे। समझ में आ गया, सेल्फ और म्यूचुअल में सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी तो इक्वेशन वाइज सब कुछ सेम है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम देखें तो ध्यान से सुनो, आप लोगों को इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 9। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर क्या बोला है, ध्यान से देखो। चलो एग्जाम्पल 9 के अंदर आपको ऐसा बोला है कि R1 एंड R2 रेडियस है, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। ओके, अब मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पे, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। बराबर है, कंसीडर करंट फ्लोइंग थ्रू रिंग टू इज I2। सपोज कि यहां पे I2 करंट फ्लो कर रहा है, सीधी सी बात है, ऐसे I2 करंट फ्लो कर रहा है तो ये नॉर्थ पोल बनेगा। अरे I2 करंट फ्लो कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉक, ये नॉर्थ पोल बनेगा, पीछे वाला साउथ पोल बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड ये रिंग में से पास होगी कि नहीं होगी, जो छोटी वाली रिंग है उसमें से पास होगी कि नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड, होगी पास। बराबर है, अच्छा तो ये करंट फ्लो हुआ I2। ओके, तो मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 एट द सेंटर ऑफ द रिंग, बोलो B2 इज इक्वल, ये सेकेंड रिंग की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0 I2/2R2। मतलब कि इस रिंग, ये रिंग अभी भूल जाओ, ये छोटी वाली रिंग अभी भूल जाओ, ये जो रिंग आपको एक ही रिंग है ऐसा समझ लो, एक ही रिंग में से मैंने I2 जितना करंट पास किया तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ये होगा ही नहीं होगा, होगा। अब सोचो, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो पासिंग थ्रू स्मॉलर रिंग या तो रिंग ऑफ रेडियस R1, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसमें से पास होगी, रिंग ऑफ रेडियस R1 में से पास होगी। तो द फ्लक्स एसोसिएटेड, या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2 फील्ड लाइंस ऑल्सो पासिंग थ्रू स्मॉल रिंग ऑफ रेडियस R1। R1 रेडियस वाली रिंग में से भी ये फील्ड लाइंस पास होगी। सो
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस स्मॉल लूप। बोलो अब पहली बात तो ये, मुझे फ्लक्स बताना है कितना है। अब अगर आप सोचो, अगर आप सोचो तो फ्लक्स इन रिंग वन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू एरिया ऑफ रिंग वन और ये कॉस थीटा। बोलो ये पता चला कि नहीं चला? समझना ध्यान से। फ्लक्स इन रिंग वन या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो फाइव वन इज इक्वल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हुआ, बी टू की वजह से, और एरिया कौन सी रिंग का है, बी ए वन, तो फाइव इज इक्वल टू ध्यान से देखना बी टू ए वन कॉस थीटा वेर थीटा इज एंगल बिटवीन बी टू एंड ए वन, थीटा इज एंगल बिटवीन बी टू एंड ए वन। अब यहां पे देखो इस रिंग का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, बाहर होगा इस रिंग का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है, तो हियर बी टू डिरेक्शन ऑफ बी टू एंड एरिया वेक्टर ए वन बोथ आर पैरेलल है, तो थीटा जीरो है तो कॉस जीरो वन। तो बोलो यहां पे फाइव इज इक्वल क्या आया, रिंग वन के साथ लिंक फ्लक्स फाइव वन इज इक्वल क्या आया, बी टू ए वन आया, तो फाइव वन इज इक्वल, बोलो बी टू कितना है मेरे पास, म्यू जीरो आई टू अपॉन टू आर टू, और ए वन छोटी रिंग का एरिया कितना होगा, पाई आर वन स्क्वेर। यहां पे लिखना है ए वन इज इक्वल पाई आर वन स्क्वेर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिंग वन। अब सोच, ये तो मुझे फाइव मिला, Now, this phi one is directly proportional to I two, क्योंकि जितना इसमें से मैं करंट को चेंज करूंगा, जितना करंट बढ़ाऊंगा उतना फ्लक्स इसमें इसके अंदर ज्यादा बढ़ेगा, तो अगर मैं ये करंट को घटाऊंगा तो इतना फ्लक्स इसमें से कम होगा, तो phi one proportional to क्या होता है I two, तो phi one is equal to, मैं इसको m I two लिख सकता हूं, तो m इज इक्वल टू यहाँ पे फाइव वन अपॉन आई टू, तो m इज इक्वल टू बोलो फाइव वन कितना है, म्यू जीरो आई टू पाई आर वन स्क्वेर डिवाइडेड बाय टू आर टू आई टू, आई टू आई टू कट हुआ तो ये आया म्यू जीरो पाई आर वन स्क्वेर अपॉन टू आर टू। ये किसका इक्वेशन आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। किसका इक्वेशन आ गया ये, बोलो समझ में आया, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, तीन मार्क के अंदर कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान से देख लो इसको। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल का टेन लेते हैं। अब मैंने आप लोगों को इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर मैंने आप लोगों को इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड हुई मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में हमने इक्वेशन लिखा, कौन सा इक्वेशन था, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेर, कौन सा इक्वेशन था यहाँ पे, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेर, ध्यान से समझना। अच्छा, किसी को यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ कि हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें तो ऐसा बोला नहीं था कि सेकेंड लूप में से ही करंट पास करो, अगर आपने समझना ध्यान से, फिर से बता रहा हूं ध्यान से देख लेना, अगर आपने ये लूप रेडियस R1 थी, ये R2 थी, ध्यान से देखना, वो भी एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको आंसर क्या आया, M इज इक्वल टू म्यू जीरो पाई आर वन स्क्वेयर बाई टू आर टू आया ना। अगर किसी ने ऐसा बोला होता कि भाई यहां से तू करंट पास कर तो क्या होता, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक होता, आर टू रेडियस वाली रिंग के साथ लिंक होता, तो वहां पे फ्लक्स कितना आता, फाइ टू प्रपोर्शनल टू क्या होता, आई वन, तो फाइ टू इज इक्वल टू क्या होता, एम आई वन। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फ्लक्स इन वन बाई टू, फ्लक्स इन वन बाई टू, फ्लक्स इन वन बाई
टू, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता है फ्लक्स इन टू बाई वन, फ्लक्स इन टू बाई वन। अभी फाइव टू क्या होता है, फाइव टू क्या होता है फ्लक्स लिंक विथ टू बाई वन, तो फाइव टू क्या होता है बी वन ए टू इज इक्वल टू एम टू वन आई वन होता। चलो बी वन मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू जीरो आई वन अपन टू आर वन, म्यू जीरो आई वन अपन टू आर वन, और ए टू क्या होता पाई आर टू स्क्वायर, और एम टू वन इंटू आई वन, आई वन आई वन क्या हो जाते अपने कट, तो हमारे पास एम टू वन इज इक्वल टू क्या होता है म्यू जीरो पाई आर टू स्क्वायर अपन टू आर वन। इसमें भी कोई दिक्कत होती नहीं। ओके अब यहां पे देखो प्रैक्टिस शिफ्ट करना है इसकी। अब यहां पे देखो डिराइव द इक्वेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, मोस्ट टाइम की थियरी न्यूमेरिकल है लेकिन थियरी के तौर पूछते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी एरिया ए एंड लेंथ एल, बराबर सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड के अंदर। चलो यहां पे देखो पहले तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड का इक्वेशन क्या था, हाँ यू बी इज इक्वल टू, मेरे पास इक्वेशन था हाफ एल आई स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन था। आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड, ये आपके पास इक्वेशन क्या था हाफ एल आई स्क्वायर। अब उसने क्या पूछा है कि इसको कौन से फॉर्मेट में लाओ, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एरिया ए और लेंथ एल के फॉर्मेट में लाना, इसको मैग्नेटिक फील्ड बी एरिया ए और लेंथ एल के फॉर्मेट में लाना है इसको, समझो ध्यान से। पहले तो इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो। नाउ मैग्नेटिक फील्ड डी टू सोलेनोइड का इक्वेशन क्या था, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन इंटू आई, था कि नहीं था, अच्छा बट बी इज इक्वल टू क्या था मेरे पास म्यू जीरो एन आई बाई, सॉरी बट स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, अच्छा यही इक्वेशन रख दो। चलो यहाँ पे एक काम करो, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई है, आई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो बी अपन म्यू जीरो स्मॉल एन होगा कि नहीं होगा, आई को मैंने सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया तो बी आई इज इक्वल बी अपॉन म्यू जीरो बाई एन, तो सब्स्टिट्यूट टू इन वन, टू को वन में रखो तो यू बी इज इक्वल टू वन हाफ एल, आई की जगह पे मैं क्या रखता हूँ बी अपॉन म्यू जीरो एन का स्क्वायर, तो मेरे पास यू बी इज इक्वल क्या आ गया वन हाफ एल बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर आ गया, ये मेरे पास यू बी आया। अब ध्यान से सुनो, मुझे तो बी के अंदर ए के अंदर और एल के अंदर चाहिए, ये स्मॉल एन निकल जाना चाहिए और कैपिटल एल भी निकल जाना चाहिए। तो हम लोगों ने दूसरी थियरी पढ़ी थी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड का इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, बोलो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड का इक्वेशन क्या था, इसको देते इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, याद करो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड का इक्वेशन पिछली बार करवाया था कैपिटल एल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, तो मैं एल की जगह पे वो रख दू तो सब्स्टिट्यूट फोर इन थ्री। अब ध्यान से देखो मैग्नेटिक एनर्जी यू बी इज इक्वल टू वन हाफ का वन हाफ एल की जगह पे म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, कैपिटल एल की जगह पे म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, और यहां पे क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर, बोलो इतना पता चला। अब यहां पे देखो बट मुझे तो कैपिटल बी में चाहिए,
कैपिटल बी में चाहिए, ए में चाहिए और स्मॉल एन में चाहिए, तो ये मेरे को निकल जाना चाहिए, कैपिटल एन एंड स्मॉल एन निकल जाना चाहिए। नाउ या तो यहां पे लिख सकते हो बट नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ स्मॉल एन इज इक्वल क्या होता है, एन बाय एल होता है। हाँ तो यू बी इज इक्वल टू, या तो ऐसा लिखो तो n इज इक्वल क्या हुआ nl, कैपिटल n इज इक्वल क्या हुआ nl, तो आप कैपिटल n की जगह पे n स्क्वायर एल स्क्वायर लिख सकते हो। सो यू बी इज इक्वल टू ये हाफ, फिर ये क्या होगा बोलो, म्यू जीरो ए बाई एल, म्यू जीरो ए बाई एल, कैपिटल n स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिखा स्मॉल n स्क्वायर l स्क्वायर, ऊपर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर है ही, नीचे म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर। बोलो इतना पता चला, बोलो यूबी का यूबी, हाफ का हाफ, म्यू जीरो ए एज इट इज रखा, एल नीचे एज इट इज रखा, एन स्क्वायर की जगह पे स्मॉल एन स्क्वायर कैपिटल एन, स्मॉल एन स्क्वायर एल स्क्वायर, और बी स्क्वायर एज इट इज रखा, म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर एज इट इज रखा। अब देखो क्या क्या निकलता है, बोलो क्या क्या निकलेगा। हाँ ये एन स्क्वायर और ये एन स्क्वायर कट, फिर ये म्यू जीरो एक और ये म्यू जीरो कट, फिर एक एल और एक एल कट, तो ऊपर क्या बचा देखो, ये वन हाफ का वन हाफ, ये ए का ए, ऊपर एक एल बचा, बी स्क्वायर बचा और नीचे म्यू जीरो बचा। ये उसका जो रिक्वायरमेंट था कि बी एल और ए के फॉर्मेट में आपको एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करना है। तो पहला हमने क्या किया, मैग्नेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिया यूबी इज इक्वल टू वन हाफ एल आई स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एल आई स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन लिया। पहला चेंजेस मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलेनोइड का इक्वेशन लिया, उसमें से आई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया और यहां पर रखा। और दूसरा चेंज मैंने क्या किया, सेल्फ इंडक्टर, क्योंकि मुझे आई भी हटाना था और एल भी हटाना था, तो दोनों का इक्वेशन लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो आपको यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन का पहला पोर्शन है ऐसा है। दूसरा पोर्शन क्या है ध्यान से देखो कि हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बोलो चलो, ये मैग्नेटिक एनर्जी, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो किससे किससे जुड़ी जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी शायद आपको याद होगा U इज इक्वल टू वन हाफ, हम ऐसा लिखते थे वन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर थी शायद आपको याद हो तो, यू इज इक्वल टू वन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर की जाती है, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन था UE इज इक्वल टू UE इज इक्वल टू, या तो हम इसको क्या लिखते थे रो ई, क्या लिखते थे एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी रो ई इज इक्वल टू वन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वैसे यहां पे मैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी लेने जाऊं तो ध्यान से समझना मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, बोलो मेरे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी अगर मुझे लाना है, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो जैसे मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी थी रो ई इज इक्वल टू वन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वैसे ही मेरे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मैं डिराइव करना चाहता हूं, चलो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो आप मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी मतलब यू बी और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम। अब आप यहाँ पे देखो
बोलो रो बी इज इक्वल टू, बोलो यू बी मतलब यहाँ पे आया यू बी मेरे पास वन हाफ ए एल बी स्क्वायर बाई म्यू जीरो, मतलब कि ऊपर क्या आएगा ए एल बी स्क्वायर बाई टू म्यू जीरो और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं होता है, ए एल बी स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं होता है, बोलो ए एल एल क्या हो गया कर, तो बोलो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मेरे पास क्या आई बी स्क्वायर बाई टू म्यू जीरो, मोस्ट टाइम की इक्वेशन। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मेरे पास क्या आई वन हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मेरे पास क्या आई, फिर से मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, चलो तो ये आपके पास आ गया रो ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और रो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय टू म्यू जीरो। अब उसके बाद देखो एग्जांपल का 11, कमला पेडल्स स्टेशनरी बाइसिकल। भाई आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को शायद पता होगा कि हम बाइसिकल को हम पेडलिंग करते हैं, हाँ तो वहां पे डायनेमो रखा होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि नहीं होती है भाई, अरे भाई होती है कि नहीं होती है, पता है ना वो बाइसिकलिंग करते हैं मतलब स्टेडी स्टेशनरी बाइसिकल है और वो स्टेशनरी बाइसिकल में हम वो पेडलिंग करते है, ओके पेडलिंग करते तो उसके साथ अगर हम डायनेमो कनेक्ट कर दे, अगर हम कॉइल एक कनेक्ट कर दे और उसके आसपास क्या रखा रख दे मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जिसको हम डायनेमो डायनेमो करते हैं। कमला पेडल्स स्टेशनरी बाइसिकल, द पेडल्स ऑफ द बाइसिकल आर अटैच्ड टू 100 टर्न कॉइल ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर। बोलो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल एन इज इक्वल टू 100, ओके क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 0.12 मीटर स्क्वायर। चलो उसके बाद क्या बोला है उसने 0.10 मीटर स्क्वायर, सॉरी उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद उसने ऐसा बोला कि द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रिवोल्यूशन पर सेकेंड एंड इट इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.01 टेस्ला। चलो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0.01 टेस्ला बराबर, और कॉइल कितना रोटेट कर रही है हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो वॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, मैक्सिमम वोल्टेज। चलो मेरी बात सुनो, अगर किसी को एसी जनरेटर की थियरी नहीं आती है फिर भी आराम से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ध्यान से देखो कैसे। पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां पे जो बाइसिकलिंग कर रही है वहां पे उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, एंगुलर स्पीड है 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, सॉरी कितनी है हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, कितना है हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब यहां पे देखो, पहले तो मुझे ये बताओ कि उसने ऐसा बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो डिरेक्शन में है, कॉइल जो है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। सपोज कि ये कॉइल है, ये कॉइल, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये कॉइल है ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ओके और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर, तो सीधी सी बात है ये कॉइल ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डिरेक्शन में होंगे, क्लियर, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर
इन सेम डिरेक्शन, अगर ये दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल का एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डिरेक्शन, अगर वो सेम डिरेक्शन में है मतलब कि पैरेलल है तो थीटा क्या हुआ जीरो, तो कॉस जीरो क्या होगा वन। ओके फाइन, अब फ्लक्स का इक्वेशन क्या आएगा, सो मैग्नेटिक फ्लक्स, सपोज कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है तो कॉइल के साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, बोलो फाई इज इक्वल क्या होगा बी ए कॉस थीटा होगा, तो फाई इज इक्वल बी ए कॉस जीरो वन। ओके बी दिया है ए दिया है मतलब फाई तो मुझे मिल गया, फाई तो मुझे मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए ईएमएफ। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी इन टू एन, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। चलो यहां पर देखो, अब मैं क्या करूं, अब यहां पे मैं ऐसा काम कर सकता हूं कि पहले मैं एक इक्वेशन डिराइव करता हूं। देखो यहां पे मैंने जो थीटा जीरो लिया है ना, अच्छा कोई रोटेशन करता है, रोटेशन करता है तो आपको पता है, सुनो यहां पे अगर बहुत लंबा वाला इक्वेशन डिराइव करने जाए तो यहां से मैं करता हूं। देखो इक्वेशन अभी डिराइव करता हूं, ध्यान से देखना। चलो बी ए कॉस बी ए थीटा कॉस थीटा बराबर है, अब नाउ एंगुलर वेलोसिटी या तो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो बोलो फाइ इज इक्वल टू क्या होगा बी ए कॉस ओमेगा टी होगा, फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ओके फाइन, अब यहां पे देखो फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, नाउ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी माइनस एन डी बाई डी टी, यहां पे फाइ की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं बी ए कॉस ओमेगा टी। चलो ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी बाई डी टी, ये कॉस ओमेगा टी होगा, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन साइन ओमेगा टी, तो यहां पे माइनस एन बी ए माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी और साथ में ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके तो यहां पे दोनों के बीच का मैक्सिमम मैग्नेटिक मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा, मैक्सिमम ईएमएफ के लिए मैं साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या लूंगा वन, और अगर मैक्सिमम ईएमएफ के लिए मैंने साइन ओमेगा टी वन लिया तो ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। अब मुझे यहां पे ओमेगा कितना दिया है वो बताओ, हियर अ हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.5 हर्ट्ज है, क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। स्टेटमेंट पढ़ना, यहाँ पे हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड है इसका मतलब हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 सेकेंड, तो यहाँ पे लिखना है कि बट ओमेगा इज इक्वल क्या होता है 2πf, तो E मैक्सिमम इज इक्वल टू एन ए बी 2πf। रियलिटी में देखने जाओ तो आपको जो पूछा गया है वो न्यूमेरिकल सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही आपको करना है, लेकिन मैं अगर पहले से बात करना चाहूं तो मैग्नेटिक हम पहले से ही बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल फाइ इज इक्वल बी ए कॉस थीटा, अब ओमेगा इज इक्वल थीटा बाई टी था तो थीटा इज इक्वल क्या था ओमेगा इंटू टी, तो फाइ इज इक्वल बी ए कॉस ओमेगा टी,
अभी बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो बी ए बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी, बात खत्म हो गई। ओके, तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स जो है कौन कौन से, कौन कौन से एग्जांपल्स 9, 10 एंड 11 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ओके, तो देखते हैं आगे और एग्जांपल्स।